अभी इधर से देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है, वो देखें से व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है सुबह सुबह के टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपकी दवा और अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अभी आसमान पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और कौओं से आसमान पे परवाज़ नहीं की जा रही, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। अभी इंट्रो देने के लिए मैंने अम्ब्रेला को इधर रखा था, वो नीचे जाके गिरी हुई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इधर हवा चल रही है इसकी वजह से। तो अभी इधर काफ़ी ज़्यादा बाहर को कनक निकली हुई है, ये रास्ता है जिधर से चल के सड़क की तरफ जाते हैं। तो अभी ये सारे खेत को पानी लगाया हुआ है, ये इस वाले भाईजान का खेत है। और भाईजान की हाल है, ठीक हो? तो अभी ये भाईजान खड़े हुए हैं, इनका ये पीछे खेत है। भाईजान तुसी की लगाया पीछे? पालक। पालक? फिर पालक दी यार। फिर पालक, फिर इन्होंने पालक काश्त कर दी गई हुई है, अभी ये फिर उगाएगी। तो अभी ये जितनी भी कनक लगी हुई है, इसकी उस साइड पे भी कनक लगी हुई है। जाना कनक दी यार, वैसे इन्होंने किधो करनी शुरू करनी है? एक महीना लग जाएगा बस। एक महीना पूरा ही? अगर मौसम सेट है। मौसम सेट हुई है। कल मौसम नहीं डिपेंड कर देना। हाँ जी सही गल है, मौसम तो कर दी। तो अभी आज बारिश हुई है, अगर एक बारिश या दो चार और बारिश हो जाती है तो कनक को नुकसान है इससे, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो आटा भी काफी ज्यादा फिर महंगा हो जाएगा, आप प्लीज दुआ करें कि बारिश ना ही आए। कनक पहले नहीं मिल रही, कनक पहले नहीं मिल रही। तो अभी इन भाई जान का भी टायर पंचर हो चुका है। ये मेरा समझ लो भाई है, ये बहुत नाइस बंदा है और कसम से इसके पास आके हादसा ही नहीं इंसान का रुकता, ये इतनी फनी बातें सुनाता है। क्यों भाई जान? जी सही बात है, सही बात। यार मेहनत करके हम खेत लगाए हैं। हाँ जी, ऐसे मेहनत करके अपनी रोटी कमाओ फिर लोगों को खवाना। सही गल है जी, जैसे मेहनत करके बीजांगे ना। हाँ। तो आम कितने खाए। सही गल है सादा, ते बिल्कुल, क्योंकि किसान भाई जिंदाबाद यार। अभी हवा चल रही है और कनक का हाल देखें क्या कनक कर रही है। अभी वो भाई जान काफी नाइस बंदे हैं और मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ इधर काफी ज्यादा हरियाली हरियाली है और काफी प्यारा मौसम है आज। तो अभी एक मेरा यार है, इसको यार नहीं आप भाई समझ लें, इसने पीछे ये सारा लहसुन का खेत लगाया हुआ है और इधर आके ये लहसुन की हार्वेस्टिंग करके घर को लेके जा रहा है। अभी ये चारे के बीच से मिट्टी निकाल रहा है। तो अभी ये सारे सीलिंग के सैंपल लगाए हुए हैं और हमें भाई जान कमरा दिखाने के लिए लाए हुए हैं इधर। इधर सीलिंग का काम भी होता है। अभी ये सीलिंग की फट्टी लगाई हुई है, उसके भी तैयार होती है सीलिंग की फट्टी है, जितनी भी सुकने पाई हुई है इन्होंने। अभी ये डाई लगाई हुई है और अभी ये तैयार हो रही है, से बॉक्स डाई के बनवाते हैं। और अभी ये बेर मीठे मीठे से लगे हुए हैं, काफ़ी प्यारे बेर लगे हुए हैं इधर। तो अभी ये एक मुझे काफ़ी ज़्यादा मीठा बेर लग रहा है भाई जान, मीठे ने बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठे ने। भाई बशीर पंजाह रुपए दे सेला चावल दई। आयो सर दे दिया ये चावल, ये हमारी गली के भाई बशीर है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। मेहरबानी भाई कबीर। तो अभी उधर से लेके इधर तिकर मुझे ये मेरा भाई लेके आया और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, अगर मैं इधर से उधर से लेके इधर पैदल आता और मेरी काफ़ी ज़्यादा मत बच जानी थी अगर ये भाई उधर से लेके मुझे
इधर तक लिफ्ट ना देता, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ना इसकी वजह से। तो वीडियो इतनी छोटी बनाई आप सबसे, इसके लिए माजरत है। उसकी मेन वजह यह है कि मेरे मम्मू जान की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, घर वाले सब हॉस्पिटल गए हैं। इसी की तरफ से फजल अब्बास किल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिला दे दी नेक्स्ट वीडियो दे विच। तब तक के लिए चैनल नु करो सब्सक्राइब, नाल वीडियो नु कर लो लाइक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।